हाय गैस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एटीबी ब्लॉक में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, कल परसों हम लोग गए थे मैनपाट मेला, तो थोड़ा सा रात में आए तो ठंड ठंड में गला थोड़ा सा बैठ गया है और आप लोग को आवाज़ सुनने में थोड़ा कुछ अलग लग रहा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो सुनार पहाड़ी में महिलाओं का तीर्थ यात्रा रखा गया है पारिश की तरफ से, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग का 40वां काल चल रहा है, 40 दिन का हम लोग का उपवास परहेज चलता है, तो उसी के उपलब्ध में जो पारिश की तरफ से तीर्थ यात्रा वहाँ पे रखा गया है। तो हमारे ईसाई समझ में दोस्तों कुछ कुछ वहाँ पे तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम सोनार पहाड़ी गांव में रखा गया है, तो आप लोग को चलिए आज मैं वहाँ लेके दिखाता हूँ वहाँ का जो सोनार पहाड़ी के ईसाई भाई लोग हैं कैसे कैसे वहाँ का तीर्थ यात्रा प्रोग्राम को रखे हैं और वहाँ क्या क्या व्यवस्था किया हुआ है और प्रोग्राम चलाने के लिए कैसे कैसे वहाँ पे सभी लोग तैयारी करके रखे हैं, उस चीज़ को आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और जो जो मेरे चैनल में नए आए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटा को ऑल पर जाकर सेट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आज का प्रोग्राम आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सोनार पहाड़ी और वहाँ काफ़ी सारा महिलाओं का भीड़ भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि पूरे बारिश से वहाँ पे महिलाएं आ रहे हैं, तो कम से कम 1500 के लगभग वहाँ पे महिलाओं का भीड़ रहेगा। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में और बने रहिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी जहाँ से तीर्थ यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं और सभी महिलाएं जो हमारे तरफ के पूरे परिस से जो आए हुए हैं सभी इकट्ठा हुए हैं। आप लोग को पीछे तरफ दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग, और यहीं से अभी हम लोग को जाना है दोस्तों सोनार पहाड़ी गांव, और कहाँ पे जगह रखा हुआ है मैं भी नहीं देखा हूँ। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में, आज का वीडियो में आखिर तक आ जाते हैं। कलिस्या के छहनियाम एकारण तुम का में हिस्सा सुनना, उपवास और परहेज के दिन मानना, ग्रास ग्रास कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पास का तरफ के समय योग्य नीति से कम प्रसाद ग्रहण करना, कलिस्या के प्रोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलिस्या के नियम मानना, पछतावे की विनती। ईश्वर मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरे आशीष बनाए और बनाए के विरुद्ध अपराध किया है, मैं अपने सब पापों से पैर को घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के बिना योग्य है, मेरे पापों से हमारे
काफ़ी संख्या में हमारे माताएं आए हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी भक्ति श्रद्धा के साथ में, विनती प्रार्थना के साथ में आगे बढ़ रहे हैं सोनार पहाड़ी की तरफ। और
सोनार पहाड़ी में महिला संघ का तीर्थ यात्रा जो प्रारंभ हुई वो लगभग प्रवेश हो चुका है। सैक्रामेंट का आगमन हो चुका है और हम लोग सोनार पहाड़ी पहुंच चुके हैं। देखिए और काफ़ी संख्या में महिलाएं आए हैं और देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है। यहाँ पे देखिए महिलाओं का तीर्थ यात्रा हो रहा है और हम लोग अभी सोनार पहाड़ी में हैं दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में और आखिरी तक आप लोग को मैं दिखाऊँगा दोस्तों यहाँ का प्रोग्राम, जो तीर्थ यात्रा का जो हिस्सा पूजा है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कंटिन्यू करिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए। हालेलुया हालेलुया तेरी
फाइनली दोस्तों यहाँ का तीर्थ यात्रा जो प्रोग्राम था, यहाँ के जो अपने ईसाई भाई लोग थे सभी लोग काफ़ी अच्छा से यहाँ पे व्यवस्था किए थे। सिंगार पटार पंडाल सब चीज़ को काफ़ी अच्छा से किए और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो बाहर से पारिस से जो महिलाएं आए थे तीर्थ यात्रा का में शामिल होने के लिए काफ़ी अच्छा से खाना वाना खिलाए। तो हम लोग अभी घर चलेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का तीर्थ यात्रा? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा एकदम। और सब्जी और खाना दाल खाना तो अच्छा से खाए पिए। तो देखिए हमारे माताएं हैं जो काफ़ी अच्छा से यहाँ का प्रोग्राम को देखे बोल रहे हैं और शामिल भी हुए तीर्थ यात्रा में। तो दोस्तों चलिए अभी इनको छोड़ना है मेरे को कुनकुंदरी, तो चलते हैं। हम लोग वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। तो बाय दोस्तों, चलिए बाय।